कितने होंगे? एक होगा परमात्मा, एक होगा, तो उसे सारे संसार के धर्म मानेंगे या नहीं? मानेंगे ना, सारे संसार के धर्म जिसे परमात्मा मानेंगे वो परमात्मा होगा। जिसे सारे संसार के धर्म परमात्मा नहीं मानते वो परमात्मा ही नहीं है, क्योंकि वो सबका पिता है, सबके लिए एक है। परमात्मा शब्द भी हमें बताता है एक, परम आत्मा, ठीक है। तो यहाँ आज हमने समझना है कि परमात्मा वो होगा जिसे सब माने। वेदों में परमात्मा के लिए शब्द है ओम। ओम संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है ज्योति, इसलिए मंदिर में जलाते हैं ज्योति। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कोई भी धार्मिक काम करेंगे, पहले जलाएंगे ज्योति। शाम होगी, दिया जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, ट्यूब जलाएंगे, करेंगे नमस्कार, क्या करेंगे, जागरण करेंगे, सारी रात माँ 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 बुलाएंगे, परंतु वहाँ भी क्या जला के रखेंगे? वहाँ सारे जाकर किसको नमस्ते करते हैं? ज्योति। माँ को कहते भी क्या हैं? ज्योता वाले। माँ को क्या कहते हैं? ज्योता वाले। क्यों कहते हैं ज्योता वाले? ज्योता वाले क्यों कहते होंगे? कहते क्यों होंगे? उसका कारण क्या है कि जो दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? दुर्गा की उत्पत्ति ऐसे हुई कि नारायण मोह निद्रा में सोए हुए थे, जैसे अज्ञान की नींद में सोए हुए थे नारायण, और उनकी कान की मैल से दो राक्षस पैदा हो गए, मधु और कैटर। नाम सुना होगा ना, दो राक्षस पैदा हो गए। अब 5000 साल तक वो इनके साथ लड़ते रहे, नारायण मधु के साथ और कैटब के साथ 5000 साल तक लड़ते रहे। जब उस पर विजय नहीं पा सके तो नारायण ने ब्रह्मा को और शंकर को इनवाइट किया, अभी मेरे को मुसीबत आ गई है। अब उनके साथ तीनों ने मिल करके ज्योति से दुर्गा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने और शंकर, तीनों ने मिलकर ज्योति से दुर्गा को उत्पन्न किया। मैं झूठी कहानी सुना रहा हूँ आपको, यानी दुनिया वाली। आप उसके बाद क्या होता है कि ज्योति से दुर्गा उत्पन्न हुई, सारे देवी देवताओं ने अपनी सारी शक्तियाँ दुर्गा को दी, फिर दुर्गा ने इन राक्षसों का वध किया और देवताओं को पृथ्वी, मतलब राक्षसों से मुक्त करा के देवताओं को पृथ्वी दी। ये थी झूठी कहानी, ठीक है कि नहीं? अब सच्ची कहानी को हम सुनेंगे कि हम आत्मा चरित्रवान थे, जैसे जैसे हमारे जीवन में अंधेरा आया, मोह की निद्रा में हम आए, अकेला नारायण तो नहीं आएगा ना, सारे आएंगे ना। तो जब हम मोह की निद्रा में आए, अज्ञानता में आए, तो कान की मैल से कोई राक्षस थोड़ा पैदा होते हैं, परंतु कान की मैल से राक्षस पैदा होते हैं। पहले बुराई कहाँ से शुरू होगी? सुनेंगे ना, कोई गलत संगत में बैठेंगे, गलत बात सुनेंगे तो हमारे जीवन में आएगी, बिना सुने तो नहीं आ सकते। क्या इन आँखों से देखेंगे कोई गलत तो हम अपने जीवन में उसे स्वीकार करेंगे, अच्छा ये भी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, ये भी दूध में पानी मिलाते हैं तो हम भी मिला देते हैं, बुराइयां कहाँ से आएंगी? हम तो थे चरित्रवान थे ना, नारायण भी तो चरित्रवान था ना, पर तो कान की मैल से, मीन्स मैल समझ गए बुराई, मतलब बुरी बातें सुनी, गलत संगत में आए तो बुराइयों ने हमारे जीवन में प्रवेश किया और हमारा करेक्टर क्या हो गया? डाउन हो गया। तो फिर हमारे करेक्टर को उठाने के लिए ज्योति स्वरूप परमात्मा आते हैं, थे नहीं, आकर के हमें दुर्गुणों से मुक्ति दिलाते हैं। दुर्गुणों से मुक्ति दिलाने वाली दुर्गा, दुर्गुणों से मुक्ति दिलाने वाला परमात्मा। तो दुर्गा को क्या कर दिया? ज्योति से उत्पन्न हुई, थे नहीं, इसलिए उसे क्या कहा गया? ज्योता वाली।
बाप के नाम से भी बच्चे का नाम होता है ना, है ना। दूसरा, हम सब आत्मा भी ज्योतियां हैं, हम सब आत्मा भी ज्योतियां हैं, ठीक नहीं, मैं भी ज्योति, आप भी ज्योति, और हम सबको दुर्गुणों से बचाने वाली प्रतीक कौन हो गई, दुर्गा। तो बच्चों के कारण भी माँ का नाम होता है ना, ज्योता वाली, मतलब उसका नाम क्यों रखा गया। अब उन्होंने नाम रखा, उन्होंने झूठी सच्ची कहानियों के आधार पर चलाया, परंतु हम सब दुर्गुणों से बचाने वाला एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, इसलिए वहां पर अखंड ज्योति जला के रखा गया, ठीक है। जैन मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, बौद्ध मंदिर में जाएंगे वहां भी ज्योति, ठीक है, कहने, और गुरुद्वारे में यदि न्यू कॉलोनी वाले गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां भी ज्योति जला के रखते हैं। परंतु बहुत सारे गुरुद्वारे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे सरदार आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ज्योति नहीं जला, ठीक है ना। परंतु वो बोलते क्या हैं, एक ओंकार सप्तमा, एक ओंकार में एक ओम आता, वेदों में ओम कहा, वेदों में ओम कहा, ओंकार से ज्योति लिया, ज्योति जलाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया आत्मा भी ज्योति और परमात्मा भी ज्योति, और गुरुद्वारे में एक ओंकार कहा। ईसा मसीह ने कहा गॉड इज लाइट, भगवान जो है वो एक लाइट है, उन्होंने चर्च में कैंडल लाइटिंग कर दी, उनके पास मोम थी उन्होंने मोमबत्ती बना दी, उनके पास घी तेल था उन्होंने दिया बना दिया, कुछ अलग बात है क्या। और हम आगे चलेंगे, कुरान कहती है खुदा एक नूर है, अल्लाह एक नूर है। गुरुद्वारों में बहुत कम दिया जलाते हैं, परंतु मस्जिद में तो दिया जलाते हैं, मस्जिद में तो दिया कभी जलाते हैं। अब कहे तो एक ही बात रहे ना सारे, सिर्फ भाषा का फर्क है। उन्होंने नूर कहा तो नूर माना भी ज्योति, ओ माना भी ज्योति, लाइट माना भी ज्योति, और एक ओंकार माना भी, सबने एक ही परमात्मा को माना है ना। किसी को देहधारी को तो परमात्मा नहीं कहा किसी ने, किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कहा, सबने एक ही परमात्मा माना। आप परमात्मा कहते बच्चे मैं ज्योति हूँ, परंतु मैं ये ज्योति नहीं जो तुम जलाते, ये जो दिया जलाते हैं ये परमात्मा ने, ये परमात्मा की याद दिलाने वाला है। ये ज्योति क्या करती है, हमें याद दिलाती है कि परमात्मा भी एक ज्योति है। तो मेरे ख्याल से हमने एक उस दिन किया था कि आत्मा या परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति, और सभी ने उस ज्योति को ही परमात्मा माना है, जानते नहीं। परमात्मा आकर समझाते, मानते हैं परंतु जानते नहीं। जिसने परमात्मा के बारे में थोड़ा सा बताया उसी को ही हमने परमात्मा बना दिया। जैसे साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, उसने दोनों हाथ ऊपर उठा के कहे, बाकियों ने एक एक उंगली उठा रखी है, ठीक है कि नहीं, या इनका ध्यान ऊपर की तरफ है, परंतु साईं बाबा ने तो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहा सबका मालिक एक, परंतु हमने क्या किया उसी को ही भगवान बना के बिठा। तो देहधारियों को जो दिव्य गुणों वाले थे, अच्छे गुणों वाले थे, श्रेष्ठ चरित्रवान थे, हमारे से अच्छे लगे, अब वो भगवान को तो हम जानते नहीं थे, तो हमने उनको ही भगवान का दर्जा दे दिया, जिसके कारण आज इतने सारे भगवान हो गए। भगवान ज्यादा इंसान कम, भगवान ज्यादा और इंसान कम, इसलिए कहा गया धर्मों की भीड़ में भगवान खो गया। आज इतने धर्म है दुनिया में कि हम किसे भगवान कहें ये समझ में नहीं आता। गुरुओं की भीड़ में ज्ञान खो गया, आज इतने गुरु हैं किसकी बात माने, किसकी बात सुने, सुख की होड़ दौड़ में सुख भी खो गया। आप परमात्मा कहते बच्चे मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ, मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई और
दे नहीं सकता। तो परमात्मा स्वयं आकर समझाते कि मैं सर्व धर्म मान्य हूँ, मुझे सारे संसार के धर्म मानते हैं परंतु जानते नहीं। अब उनको ये समझाना है, जब वो जानेंगे तभी तो भाई भाई बनेंगे, तभी तो सारे एक ही बाप के बच्चे बनेंगे। तो परमात्मा आकर समझाते, मैं एक ही हूँ, सारे मुझे मानते हैं जानते नहीं। ठीक है, आज हमें समझना है कि एक श्लोक सुनते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है। ठीक है, अगली लाइन, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरा तस्मै श्री सतगुरुवे नमः, उस सतगुरु को मेरा नमस्कार। इन तीनों के साथ गुरु लगाया है, इन तीनों के अलावा एक चौथा भी है, एक चौथा भी है जिसे क्या कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर। क्योंकि आज तक हमारी बुद्धि यहां तक अटकी हुई थी, हम इन तीनों के अलावा और किसी को समझते नहीं थे कि कोई और भी ईश्वर होगा। तो अब परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे इनके साथ गुरु लगा, इनके साथ सतगुरु नहीं लगा। क्यों नहीं लगा इनके साथ सतगुरु? क्योंकि अमृत के घड़े में एक बूंद जहर डाल दो, सारा अमृत खराब। आपने सारी जिंदगी सच बोला है, थोड़ा सा झूठ बोल दिया है, तो आप संपूर्ण सत्य नहीं। और झूठ का समझ गए होंगे हम, शुद्ध पवित्रता माना, नो मिक्सिंग। और ये शरीर हमारा पांच तत्वों से बना है और ये मिक्स हो गया है, इसे कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। इनको भोगने वाले हैं ये तीनों। इन तीनों ने झूठी काया को भोगा, झूठी माया को भोगा, झूठे संसार को भोगा। ये भोगता है और वो अभोगता है। ये शरीर लेते हैं, वो अशरीरी है, ठीक है ना? जो भोगेंगे उनकी बैटरी डाउन होगी, बैटरी मोबाइल में जाएगी तो बैटरी डाउन होगी। वो अभोक्ता होने के कारण, अशरीरी होने के कारण, अयोनि होने के कारण किसी भी योनि में नहीं आते, इसलिए उनकी बैटरी कभी डाउन नहीं, एवर प्योर। समझ गए? और फिर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इन तीनों ने कर्म किए, कर्म का फल होगा। उनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। कभी सत्यम ब्रह्मा नहीं कहेंगे, सत्यम विष्णु नहीं कहेंगे, सत्यम शंकर नहीं कहेंगे। किसी भी देहधारी को आप परमात्मा कहते सतगुरु नहीं कह सकते। जब इनको सतगुरु नहीं कह सकते तो किसी भी देहधारी को सतगुरु नहीं कह सकते, क्योंकि संपूर्ण सत्य केवल मैं हूं, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है, और किसी को सत्य नहीं कहा जाता परमात्मा के सिवाय, और किसी को सत्य नहीं कहा जाता। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसको कहा जाता है सबको, और इनको कहा जाता है सदा शिव, सदा शिव। कभी सदा ब्रह्मा सदा विष्णु सदा शंकर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि देहधारी ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लेंगे नाम बदल जाएगा। राम ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, नाम बदल गया। ये ना शरीर लेता ना शरीर छोड़ता, इसका नाम कभी नहीं बदलता। समझ गए हैं बात? तो एक परमात्मा जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों का भी पुता है, परंतु ये परमात्मा इन तीनों के द्वारा अपना कार्य कराता है। इसलिए इस चित्र पर देखेंगे, या आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा, ब्रह्मा द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना,
विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये तीन कर्तव्य करने के लिए परमात्मा इनका आधार लेते हैं, इनके द्वारा तीन कार्य करते हैं। इसलिए समझ में आ गई बात, ब्रह्मा स्थापना, विष्णु पालना, शंकर विनाश। इसे अंग्रेजी में क्या कहा गया, गॉड। जी फॉर जनरेटर, सृष्टि की रचना करने वाला, ब्रह्मा ऑपरेटर, विष्णु डिस्ट्रॉयर, शंकर। जो इन तीन कार्यों को करता है वो गॉड है, वो लाइट है, वो गॉड है, वो लाइट है। बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। आज तक हम शिव और शंकर को एक ही समझते थे, आज थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या दोनों की शक्ल मिलती है, दोनों की शक्ल मिलती है, दोनों एक हो। बचपन का फोटो, आपका कोई बचपन का फोटो ले, आज का फोटो ले, फर्क तो होगा, मतलब कुछ तो मिलेगा ना, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, कोई शरीर का कोई अंग ही नहीं है और यहाँ पूरा शरीर है। पहली बात, दोनों की शक्ल ही नहीं मिलती। दूसरी बात, आज तक किसी ने गलती से भी शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहा। शिवरात्रि मनाते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं मनाते। शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती नहीं कहते। शिव आलय कहते हैं, शंकर आलय नहीं कहते। कहीं भी दोनों का नाम अलग है, दोनों का रूप अलग है, दोनों का नाम अलग है, दोनों का काम अलग है। शंकर तीसरा नेत्र खोलते तो परले, और शिव कल्याण का। दोनों का रूप अलग, दोनों का नाम अलग, दोनों का काम अलग। और चौथी बात हम ध्यान से देखेंगे, शंकर जी हर वक्त माला फेर रहे, जाप कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कभी आपने बोला ओम नमः शिवाय, कभी पूछा इसका क्या मतलब होता है किसी से? दुनिया में बड़े से बड़े शास्त्री को भी इसका मतलब नहीं मालूम, पंडित को मालूम ही नहीं, जापने वाले को भी इसका मतलब मालूम नहीं। जब आप जानेंगे तो आप कहेंगे नहीं जानते। बहुत सिंपल है, तीन ही शब्द हैं, ओम नमः शिवाय, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओम नमस्कार करता है शिव, वेरी सिंपल। अब इसका क्या मतलब, ओम नमस्कार करता है शिव को, इसका क्या मतलब होगा? हाँ बोलो। जो ओम किसे कहते हैं? ओम शक्ति है या फिर लाइट? लाइट है। हाँ। ओम ज्योति है। हाँ, ओम ज्योति आत्मा भी है और ज्योति परमात्मा भी है। ओम दोनों के लिए आता है। हाँ। ओम आत्मा के लिए भी आता है, ओम परमात्मा के लिए भी आता है, क्योंकि दोनों ज्योति है। अब यहाँ किसके लिए रखे हैं ओम, परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए? ओम नमस्कार करता है शिव, आत्मा के लिए रखे, क्योंकि परमात्मा के लिए रखे तो परमात्मा क्यों नमस्कार करेगा शिव? आत्मा, मैं आत्मा, शंकर जी कह रहे हैं मैं ज्योति स्वरूप आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव। हम यदि ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा नमस्कार करती हूँ शिव। शिव है मुझ आत्मा का पिता, आत्मा का पिता ज्योति। शिव माना कल्याण करने वाला ना, परमात्मा एक ज्योति है ना, है ना। ये शिवलिंग कैसे बना आपको नहीं बताया मैंने, है ना, ये नहीं बताया, ये भी थोड़ा बता दूं तो स्पष्ट हो जाएगा। ये शिवलिंग कैसे बनता है, सबसे पहला मंदिर इस पृथ्वी पर बनता है राजा विक्रमादित्य के द्वारा। इससे पहले इस पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं था। राजा विक्रमादित्य से सब जाकर पूछते, ओम क्या है, ज्योति कैसी है, हम उसे कैसे याद करें। राजा विक्रमादित्य सोचने लगा, क्या करूं मैं, कोई दिया जलाऊंगा, ज्योति जलाऊंगा,
अखंड ज्योति भी जलाते हैं जागरण में, वो भी अगले दिन बुझ जाती है। कितनी युक्तियां लगाते हैं उसको अखंड ज्योति बनाने की कि कभी नहीं बुझे, उसमें तो जागरण टाइम में ना बुझे, परंतु परमात्मा तो एक ऐसी ज्योति जो कभी भी नहीं बुझता ना, ये उसी की यादगार रखे जाते हैं ना। तो अब वो सोचने लगा क्या करूं, ऐसे सोचते सोचते उसको टच किया कि डायमंड एक ऐसा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, जब तक रहेगा तब तक चमकता रहेगा। तो राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ में कोई नूर राजा आज लंदन में रखा हुआ है उसको वहां पर रखा था, और रख करके कहा देखो जैसे ये हर वक्त चमकता है ऐसे परमात्मा भी सारे संसार को अज्ञानता के अंधेरे से निकाल ज्ञान की रोशनी में ले जाने का कार्य करता है। अब उसने ये तो नहीं कहा कि ये परमात्मा है, और तो हम जो भगत देखने वाले थे जो सुनने वाले थे हमने समझ लिया ये डायमंड ही गॉड है और हमने उसको गॉड मान लिया। अब हम दूसरा मंदिर बनाना चाहते हैं, हम डायमंड कहाँ से लाएं? तो हमने डायमंड की जगह पर गोल नेचुरल पत्थर मिला जैसे गोल उसको रखा, अब वो लाइट तो नहीं दे सकता था, और तो हम उसका नाम तो रख सकते थे ज्योतिर्लिंग, परमात्मा ज्योति है ये उसका लिंग है, इसलिए उसका नाम क्या रखा ज्योतिर्लिंग। भारत के जो प्राचीनतम 12 शिव के मंदिर हैं उनका नाम है द्वादश ज्योतिर्लिंग। पहला नाम शिवलिंग का क्या है ज्योतिर्लिंग, क्योंकि परमात्मा ज्योति है ये उसका यादगार। बाद में इसका नाम रखा गया शिवलिंग। क्यों इसका नाम रखा शिवलिंग? क्योंकि परमात्मा सबका कल्याण करने वाला है और उस कल्याणकारी पिता परमात्मा का ये यादगार है, तो इसका नाम रखा गया शिवलिंग। फिर हमारी होड़ चल पड़ी, मेरा शिवलिंग आपसे बड़ा, मेरा शिवलिंग आपसे बड़ा, दुनिया में शिवलिंग हो गए बहुत बड़े और हम सच्चाई से हो गए। फिर हमें कहा गया मानो तो भगवान है नहीं तो, हमने क्या किया, मान लेते हैं भगवान है, मान लेते हैं भगवान है। आप स्कूल में जाते थे वहां सवाल करते थे, मान लो मूलधन 100, ऐसा सवाल करते थे, मान लो मूलधन 100, माना जाता था ना, होता तो नहीं था ना, रिजल्ट तो बाद में निकलता था ना, तो जो माना जाता है होता तो नहीं है ना। मान लो ये तुम्हारी माँ है, माँ को तो नहीं कहेंगे मान लो ये तुम्हारी माँ है, जो माँ नहीं है उसी को कहा जाएगा ना मान लो तुम्हारी माँ है, जो माँ है उसको तो नहीं कहेंगे कि मान लो तुम्हारी माँ है। मान लो कि भगवान, हमने मान लिया ये सुना है ना। अब हमें समझना है कि ये परमात्मा का ज्योति स्वरूप परमात्मा का दुनिया ने यादगार बनाया, जिसको हाथ पैर नाक मुंह आंख का नहीं दिया, क्योंकि ये अजन्मा है, अशरीरी है, अयोनी है, इसलिए उसको कोई अंग नहीं दिया, किसी भी योनि का अंग नहीं दिया। बात मेरी समझ रहे होंगे कि परमात्मा एक ज्योति है, और ज्योति को दिखाते कैसे, राजा विक्रमादित्य ने डायमंड रख दिया और डायमंड की जगह पर ये आ गया और हमने इसको क्या मान लिया भगवान मान। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, परमात्मा कौन है, एक ज्योति, परमात्मा एक ज्योति है, और कैसी ज्योति है जिसको हम इन आंखों से देखना भी चाहें तो नहीं देख सकते, और जिसको नहीं देख सकते क्या वो नहीं होती, होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं देख सकते परंतु वो होती, जैसे बिजली का करंट को हम नहीं देख सकते परंतु अनुभव कर सकते, आत्मा को हम देखना चाहें तो नहीं देख सकते परंतु हम अनुभव कर सकते हैं, इसी प्रकार परमात्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते परंतु परमात्मा को भी अनुभव कर सकते। जैसे हम आत्मा को अनुभव करते हैं कि इनके शरीर में आत्मा है, ऐसे ही परमात्मा को भी अनुभव करेंगे। तो परमात्मा और आत्मा, ये शिव और शंकर में अंतर में समझ में आया, परमात्मा और देवताओं में अंतर समझ में आया। देवताएं कितने हैं, 33 करोड़, कहाँ रहते हैं, हाँ पृथ्वी पे होंगे, यही होता है, वो कहाँ छुपे हुए हैं, उनको जरा हम देख नहीं सकते,
वही एनर्जी वाली बात है, तो उनको हम देख सकते हैं, उनका शरीर है, देवताओं का तो शरीर है ना, फिर तो हम उनको देख सकते हैं ना। परमात्मा को नहीं देख सकते क्योंकि उसका शरीर नहीं है, वो तो देवताओं को तो देख सकते हैं ना, तो हमें उनको पकड़ना चाहिए ना, देखना चाहिए ना। आज हम देवताओं को भी देखें, देवताओं को तो आज देखेंगे ना ठीक है, परंतु हम क्या है कि गुम हमने किए, हमें लोगों ने कहा, वो गाड़ियाँ घुमाते हैं ना, गाय छपी होती है गाड़ी के ऊपर, उसमें वो देवताओं के चित्र बने हुए हैं, हमें बहका दिया गया कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में है, एक गाय की पूजा कर दो तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो गई। अब उन्होंने हमें बहका दिया, अब मैं उनसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, आज भी पूछना जब कोई मिले, कि 33 करोड़ देवता गाय में बैठकर क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि गंध मिलेगा तो खा लेंगे। गाय में एक ही आत्मा है जो उस शरीर को चला रही है, उसमें 33 करोड़ देवता नहीं। ये मिस्टेक कहाँ से हुआ, हमारे शास्त्रों में एक लाइन आई जहाँ से इन्होंने गलत मीनिंग निकालकर लोगों को गुमराह किया। लालच तो ब्राह्मणों का अपना है कि हमें फायदा मिलना चाहिए, गौदान करें, ये करें, वो करें। गौदान की बात भी आ गई तो मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ सर। पहले क्या होता था कि जो भी धनी व्यक्ति गिना जाता था गाय से गिना जाता था, शत गौ, लक्ष्य गौ, कोटि गौ, है ना, सहस्त्र गौ, जैसे आज करोड़पति लाखपति कहते हैं। और उस समय कोई भी पंडित से कार्य कराया जाता था तो उसको कार्य कराने के लिए कोई भी उपवास कराया है, कोई धार्मिक कार्य किया है, उसको गाय दे देते थे। पैसों तो देने का मतलब नहीं था, पैसों का तो लेन देन था ही नहीं, धीरे धीरे पैसे का लेन देन है, परंतु हमारा गाय, हमारी गाय, गाय को नहीं छोड़ा उन्होंने, पैसों तो दे दिए ठीक है, परंतु गाय तो हमारी दो। अब गाय देने का रिवाज खत्म हुआ, कहते कोई बात नहीं, गाय के नाम के पैसे तो दे दो, अपने उस अधिकार को बनाए हुए हैं और कुछ नहीं। मेरी बात को समझ गए होंगे, अपना जो उनको गाय दान वाला आदत पड़ी हुई है वो गाय दान उनको चाहिए। गाय एक, इसमें कोई शक नहीं है कि गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, सारी चीज़ें हमारी दवाइयों के रूप में हमारे काम आती है, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि गाय को पालो। पालना अच्छी बात है, आप भी पालो गाय को, ठीक है नहीं, ताकि आपको गोबर मिलेगा, मूत्र मिलेगा, इनके से कोई बीमारी आती है तो उससे लड़ने की क्षमता मिलेगी, या उसके दूध में भी, गाय के दूध में भी हमारे साथ बीमारियों को लड़ने की क्षमता मिलती है, तो इसलिए गाय को पालो। परंतु ये नहीं है कि गाय में देवता है, तो गाय में क्या लिखा गया हमारे शास्त्रों में, 33 कोटि देव गौ अस्ति, 33 करोड़ देव गौ माना आत्मा है, संस्कृत में गौ माना होता है आत्मा, उसका मीनिंग लेना था 33 करोड़ देव आत्माएं हैं, परंतु उसने क्या मीनिंग जोड़ दिया, 33 करोड़ देवता गाय के अंदर है। अब लोगों से लूटने वाला धंधा शुरू कर, हमें समझ में आया कि देवता गुम कर दिए थे हमारे, आज हमने वहां देवता नहीं है, उधर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। और ये जो मंदिरों में रखे हुए हैं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर, ये उनकी मूर्तियां हैं, और ये हमने बना के रखे हैं, वो भी देवता नहीं है, उनको भी देखने की जरूरत नहीं है, क्या उनको समझें कि वो देवता है, वो उनकी मूर्तियां, मेरी मूर्ति मैं नहीं हूँ, मेरी मूर्ति है परंतु मैं नहीं हूँ, मेरी मूर्ति से आप जो कहेंगे मैं वो करने वाला नहीं हूँ, मुझे क्या पता क्या 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 है वो मूर्ति से, बहुत क्लियर समझना है हमें। मतलब जितने भी मंदिरों में मूर्तियां रखी हैं वो हमने बना के रखी हैं, वो हमारी मूर्तियां हैं, वो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, परंतु वो देवी देवता आप कहाँ ढूंढे हो। जब हम परम धाम से आए थे हमारा ही चरित्र टॉप पर था, हम ही व्यवहार कुशल थे, हम ही देवता, कोई और नहीं थे, हम ही देवता, देवी देवता थे, ठीक है। धीरे धीरे जन्म लेते लेते हम ही पतित हो गए, इसीलिए कहा जाता है आप पे ही पूज्य, आप ही पुजारी, हम ही पूज्य थे, हम ही क्या बन गए,
पुजारी बन गए। और कहा जाता है पतित पावन आओ, सुना है सब, मंदिर में जाकर कहते हैं हे पतित पावन आओ, एक प्रिय ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, पतित पावन आओ हम पुकारते हैं, तो परमात्मा कहते बच्चे तुम कहते हो पतित पावन आओ, इसमें दो अर्थ छुपे हुए, एक तो ये कि तुम पतित हो गए तभी तो तुम मुझे बुला रहे हो, यदि तुम पावन होते तो तुम मुझे बुलाते नहीं, तुम पतित हो गए हो पावन करने के लिए तुम मुझे बुला रहे हो, एक बात समझ में। दूसरी बात, तुम पावन बनना चाहते हो तभी तो मुझे बुला रहे हो, क्यों पावन बनना चाहते हो? पावन बनने की इच्छा उसी के मन में आएगी जिसने पावनता को यूज किया होगा, प्योरिटी को यूज किया होगा। जिसने लड्डू खाया होगा वही लड्डू मांगेगा ना, जिसने कभी लड्डू खाया ही नहीं वो लड्डू मांगेगा। मंदिर में जाकर पवित्र बनने की इच्छा उसी को आएगी जो पवित्र रहा, सबको नहीं आएगी, सब मंदिर में नहीं जाएंगे, सब परमात्मा से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड वही करेगा जिसने प्योरिटी को एक्सपीरियंस किया है। वो देवता दिखाई दिए, आप ही थे, परंतु धीरे धीरे क्या हो गया, दिव्य गुण हमारे जीवन से चले गए और हम ही क्या हो गए, पुजारी बन गए, हम अपनी ही मूर्तियों की पूजा करना शुरू किया द्वापर से। सत्युग त्रेता में हम चरित्रवान थे, हम देवता थे, द्वापर से हमने अपनी ही मूर्तियां बनाकर, हम भूल गए कि हम थे, हमने अपने, क्योंकि वो चरित्रवान उनके गुण थे, उन गुणों के आधार पर हमने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा अर्चना करना शुरू किया। तो समझ में आया, देवताएं मिले, अब हमें ही देवता बनना, वही परमात्मा से पढ़ेंगे जिनको देवता बनना है, वो नहीं आएंगे पढ़ने, जिनको जितना कम देवता बनना है वो उतना लेट आएंगे। परमात्मा कहते बच्चे मैंने इसको ब्रह्मा को क्यों चुना, इसे ब्रह्मा नाम मैंने क्यों दिया, इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा भक्ति किया। मैं आया हूं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए, जो तुमने अनेक जन्मों से भक्ति की, अनेक इस जन्म में नहीं पुकारा आपने, अनेक जन्मों से आप ढूंढते आ रहे हो, क्योंकि भूख तो माँ की याद कब आती है, पेट में चूहे कूदने शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे जीवन में द्वापर से दुख आने शुरू हुए तो हमें परमात्मा की याद आना शुरू हुई, हमने भक्ति करना शुरू किया, हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। अब हमारी अनेक जन्मों की भक्ति का फल परमात्मा देने के लिए आए हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से मिलती है मुक्ति और जीवन मुक्ति, भक्ति से नहीं मिलती, ज्ञान से मिलती है मुक्ति और जीवन मुक्ति, भक्ति से मिलता है भगवान, भक्ति से मिलता है भगवान। इसलिए जो हम अनेक जन्म से भक्ति करते आए उसका परिणाम है कि अब हमें भगवान मिले हैं, अब हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को हमने अपने जीवन में धारण करना है। हमारा तमसोमा ज्योतिर्गमे होगा, मृत्युर्मा अमृतो गमे, अमृत हो गए, अमृत हो गए ना, अमर हो गए, मरेंगे, अमर है ना, मृत्युर्मा अमृतो गमे तो हो गया आपका, अब आपको तमसोमा ज्योतिर्गमे होना है ना, उधर जाना है। जितना ज्ञान लेते जाएंगे उतना आपके जीवन का अंधेरा निकलता जाएगा, जैसे जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है वैसे वैसे अंधेरा निकलता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बाबा के परमात्मा से जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो हमारे जीवन में आता जाएगा, हमारे सामने एकदम ऐसे लगेगा जैसे एक नाटक है और नाटक को हम बिल्कुल इन आँखों से देख रहे हैं और प्ले भी कर रहे हैं, ऐसे ही आपको लगने वाला है।